हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी तंदूरी रोटी। वैसे तो तंदूरी रोटी बनाने की बहुत सी रेसिपी है, लेकिन आज मैं आपसे सबसे आसान तरीका शेयर करूंगी, तो बिल्कुल बाजार जैसी ही बनेगी। और चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है गेहूं का आटा, और उसमें हम लेंगे नमक और दोनों को अच्छे से मिला देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे सोडा वाटर। जी हाँ, सोडा वाटर डालना है। जो इसमें बबल्स देख रहे हैं ना, यही बबल्स इस रोटी को बिल्कुल मार्केट जैसी बनाएगी। और हमें इसमें सादे पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, सिर्फ सोडा वाटर से ही हमें पूरा आटा लगा लेना है। बिल्कुल अच्छे से आटे को मिला लेंगे। और इसका आटा हमें ना ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है ना ज़्यादा टाइट लगाना है। और आधे चम्मच से भी कम मैंने यहाँ पे ऑयल लेके इसे एक बार नीड कर लिया है। और 10 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं, अब इसे एक बार हम फिर से आटे को चिकना कर लेंगे। अब इसमें से मैं लोई तोड़ूंगी, लोइयों को तोड़ कर रख लूँगी मैं। और अब सूखा आटा लगाकर मैं इसे बेलूँगी। आप चाहे तो गोल भी बेल सकते हैं, मुझे ओवल शेप का पसंद है, इसलिए मैं इसी आकार में इसे बेलूँगी। और इसे ना ज़्यादा पतला बेलना है ना ज़्यादा मोटा बेलना है, जैसे हम पराठा रखते हैं सेम वैसे ही इसको बेलना है। अभी मैं दिखा दूँगी आपको। तो ये देखिए कितना रखना है इसे। और अब मैं इसमें लगाऊँगी पानी। पानी यहाँ पे बहुत अच्छे से हमें यूज़ करना है। चारों तरफ अच्छे से पानी लगा लेंगे। और मैंने गैस यहाँ पे ऑन कर दिया, तावा रख दिया गरम होने के लिए। और हाँ, तावे पे कोई भी चिकना ना लगाओ, कोई भी ऑयल ना लगाओ। तावा गरम हो गया है, और जिस साइड हमने पानी लगाया है उस साइड को हम तवे पर डाल देंगे। और मीडियम आंच पे इसे अच्छे से सिकने देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आने लगे हैं। और अब हम इसे पलट देंगे, और मीडियम आंच में ही हम इसे अच्छे से घुमाते हुए तावे को सेक लेंगे। और इस रोटी को हम नॉर्मल रोटी की तरह नहीं सेकते हैं, इसे थोड़ा ज़्यादा सेकते हैं ताकि इसमें स्मोकी फ्लेवर अच्छे से आ जाए। मार्केट में भी बिल्कुल ऐसे ही होती है। तो रोटी बन गई है, और अब मैं इसे निकाल कर दिखाती हूँ कि बिल्कुल बाजार जैसा टेक्सचर ही पीछे आया हुआ है। देखिए है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो इसे मैंने बटर लगाया है, बटर लगा कर मैंने सर्व किया है बटर पनीर के साथ। ये देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ कमेंट बताइए कैसा बना हुआ है। थैंक यू।